गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर अध्याय 7 क्रमचय और संचय प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो इसके सभी छात्र इसको ध्यान से देखेंगे। इसमें सबसे पहले इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है इसके बारे में बताया गया है कि यदि दो घटनाएं अलग अलग दी हुई हैं, एक घटना एम तरीके से घटित हो सकती है, दूसरी घटना एन तरीके से घटित हो सकती है, तो यदि दोनों घटनाओं को कंबाइन कर दिया जाए तो कुल घटित होने की संभावना जो है m इंटू एन होगी। इसी प्रकार से यदि तीन घटनाएं हैं, एक m तरीके से घटित होता रही, दूसरी n तरीके से और तीसरी p तरीके से, तो तीनों के कंबाइन करने के बाद कुल घटना घटित होने की संभावना क्या हो जाएगी, m इंटू एन इंटू पी। अब हम क्वेश्चन करते हैं, हमको एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर हमको कुल अंक दिए हुए हैं। कितने अंक दिए हुए, 1, 2, 3, 4, 5। तो अंक की संख्या पांच है और हमको तीन अंक की संख्या बनाना है, तो अंकों की पुनरावृत्ति का अनुमति है। आपको क्या दिया है, अंकों का पुनरावृत्ति हो सकती है, अंकों की पुनरावृत्ति है। तो हम पहले स्थान पर कितने अंक रख सकते हैं, पांच। दूसरे स्थान पर चूंकि अंक रिपीट हो सकता है इसीलिए दूसरे स्थान पर भी पांच रख सकते हैं, और तीसरे स्थान पर भी हम पांच अंकों का उपयोग कर सकते हैं। तो कुल कितना हो जाएगा, 125। ये आपका आंसर हो गया। अब सेकंड वाले में कि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, तो पहले स्थान पर हम कितने अंक उपयोग कर सकते हैं, पांच। दूसरे स्थान पर चूंकि अंक रिपीट नहीं करना और एक अंक उपयोग कर सकते हैं तो दूसरे स्थान पर आएगा 4, और तीसरे स्थान पर चूंकि दो अंक उपयोग हो गए तो अब बचते हैं 3, तो 3 अंकों का उपयोग कर सकते हैं। तो यह आ जाएगा आपका 5 × 20 × 3 = 60। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर हमको कुल 6 अंक दिए हैं, अंकों की संख्या 6 और हमको 3 अंक की संख्या बनाना है, सम संख्या बनाना है। तो पहले स्थान पर, पहले स्थान पर हम कितने अंक उपयोग कर सकते हैं, 6 अंक उपयोग कर सकते हैं, और दूसरे स्थान पर कितने अंक उपयोग कर सकते हैं, 6, और तीसरे स्थान पर यहां पर 6 कर सकते हैं, यहां 6 का उपयोग कर सकते हैं, तीसरा स्थान यानी इकाई का अंक, इकाई का स्थान। तो इकाई के स्थान पर हमको कौन कौन से अंक उपयोग कर सकते हैं, 2 उपयोग करेंगे, 4 करेंगे या 6, तो कितने संभावना है, 3। तो कुल संभावना हो जाएंगी आपकी 6 × 6 × 3, तो जो हो जाएगा 36 × 3, 18 = 108। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों में से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि अक्षरों पर पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती। तो हम देखते हैं कि पहले स्थान पर आपको 10 अंक उपयोग कर सकते हैं, 10 शब्द। दूसरे स्थान पर चूंकि एक वर्ड का यूज कर चुके हैं, दूसरे स्थान पर कितना उपयोग करेंगे, 9। तीसरे स्थान पर
तीसरे स्थान पर कितना यूज कर सकते हैं आप, 8, और चौथे स्थान पर 7। तो कुल संभावना कितनी हो जाएगी, 10 × 9 × 8 × 7, इसको सरल कर लीजिए, 90 × 56। तो इसको सॉल्व करेंगे, 4 रिमेनिंग, 5 50, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से और भी क्वेश्चन जो आगे हैं उनको करके सभी छात्र देखें। थैंक यू।